आज बात कॉमेडी टीवी सीरियल भाभी जी घर पर है की। इस शो को जिसने भी देखा बस हंसी के ठहाके लगाए, बच्चे क्या और बड़े क्या, सभी शो के शौकीन रहे। वैसे इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो शिल्पा ही थी जिनकी वजह से अंगूरी भाभी का ये कैरेक्टर इतना ज्यादा फेमस हुआ। हालांकि मेकर से हुए विवाद के बाद एक्ट्रेस को इस शो को अलविदा कहना पड़ा, जिसके बाद शुभांगी अत्रे की इसमें एंट्री हुई। हालांकि जब मेकर्स ने उन्हें ये शो ऑफर किया था तो शिल्पा ने उनके सामने एक शर्त रखी थी। आजकल इसी बात की चर्चा है और वही बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर वो क्या शर्त थी, क्यों शिल्पा ने ये शो छोड़ा और वो कौन सा विवाद था जिसके चलते उन्होंने शो को अलविदा कह दिया। जानेंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे अपने कैरेक्टर अंगूरी भाभी के नाम से घर घर में फेमस हुई। भाभी जी घर पर है सीरियल टीवी पर काफी फेमस रहा और आज भी लोग शिल्पा शिंदे को इन्हीं के इस बेहतरीन कैरेक्टर के लिए जानते हैं। यूं तो शिल्पा को ये शो छोड़े 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन ऑडियंस को आज भी ये जहन में उनके कैरेक्टर के नाम से बात बसी हुई है कि भाभी जी घर पर हैं का कैरेक्टर अंगूरी भाभी के ऊपर ज्यादा सूट करता था। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि शो को लेकर शिल्पा शिंदे ने क्या शर्त रखी थी, जिसकी वजह से उन्होंने मेकर्स के सामने कहा था कि वो ये शो तभी करेंगी जब उनकी ये शर्त मानी जाएगी। आपको बता दें, शिल्पा शिंदे ने मेकर्स के ऊपर हैरेसमेंट का भी आरोप लगाया था। यही वजह है कि उन्होंने ये शो भी छोड़ दिया था। इसके बाद शिल्पा ने रियलिटी शो बिग बॉस 11 की ट्रॉफी भी अपने नाम की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिल्पा शिंदे अपने शो के कैरेक्टर में एक डायलॉग बोलना चाहती थी, जिसके बारे में उन्होंने मेकर्स से खास अपील की थी। वो शर्त थी उनका हेड डायलॉग बोलने की इजाजत उन्हें मेकर्स से मिलने की बात। आज भी शिल्पा शिंदे का वो डायलॉग काफी फेमस है जो है सही पकड़े हैं। उन्हें इसी डायलॉग के चलते भी जाना जाता है। ऑडियंस के बीच उनका ये डायलॉग काफी पॉपुलर है। शिल्पा शिंदे ने मेकर से ये डायलॉग शो में डालने के लिए कहा था, तभी एक्ट्रेस ने इस शो को साइन करने की हामी भी भरी थी और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो वहीं इस शो को क्विट करने के बाद शिल्पा ने पीटीआई से बातचीत में कहा था कि मेकर्स ने उनका करियर बर्बाद करने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं शो को अपने 25 दिन दे रही थी, बाकी के बचे 5 दिन मैं कुछ भी करूं, उन्हें इसमें क्या मतलब था। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में 25 दिन के काम की बात लिखी थी, बाकी 5 दिन की नहीं। शिल्पा शिंदे ने आगे कहा था कि जब रश्मि देसाई ने इस शो को अचानक अलविदा कह दिया था, तब मेकर्स मेरे पास इस रोल को लेकर आए। मैंने उनकी मदद की जब उन्हें मेरी जरूरत थी। मेकर्स झूठ बोल रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं कि मैं सेट पर नाटक दिखा रही थी। वो खुद मुझे मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे। शिल्पा ने आगे ये भी कहा कि अगर मेकर्स मुझ पर ये आरोप लगा रहे हैं कि मैं बहुत अनप्रोफेशनल थी, तो उन्होंने मुझे पहले ही शो से बाहर क्यों नहीं किया। मेकर्स ने मुझे नोटिस देकर धमकी देने की भी कोशिश की कि अगर मैंने 48 घंटे में शो के अंदर वापसी नहीं की तो वो मुझ पर एक्शन लेंगे। ये तो सरासर गलत है। मैं अब देखती हूँ कि किस तरह मैं इस मैटर को आगे लेकर जा सकती हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। वहीं बात करें नई अंगूरी भाभी की, तो शिल्पा के बाद शुभांगी अत्रे को भी दर्शकों से खूब प्यार मिला। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिल्पा ने उस वक्त शुभांगी को एक अच्छी कॉपी कैट होने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि आप किसी को भी अंगूरी की तरह ड्रेस पहना कर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन अंगूरी की तरह एक्ट करना आसान नहीं है। खैर, जो भी हो, फिलहाल शिल्पा अभी काफी फेमस हैं और शुभांगी अत्रे भी उनकी जगह बहुत अच्छे से इस रोल को निभा रही हैं।